बस्ती जनपद में सुरक्षा व यातायात की पाठ पढ़ाने वाली पुलिस जब स्वयं ही यातायात नियमों का पालन ना करे तो आम जनता को कैसे पालन करवाएगी। हाँ, हम बात कर रहे हैं ऐसे दरोगा की जिसके ऊपर एक गंभीर आरोप लग रहा है कि 29 अक्टूबर को लापरवाही पूर्वक व शराब के नशे में बाइक चलाते हुए छुट्टी पर आए सिपाही को जोरदार ठोकर मार दी जिसकी लखनऊ में इलाज के दौरान मौत हो गई। उपनिरीक्षक के मोटरसाइकिल की ठोकर से घायल हुआ था सिपाही बलवंत गुप्ता। उपनिरीक्षक के खिलाफ गौर थाना में मुकदमा दर्ज हुआ था। शव घर पर रखकर परिजन जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के आने की मांग कर रहे हैं। देवरिया जनपद में लाइन में तैनात था मृतक बलवंत गुप्ता। पूरा मामला गौर थाना क्षेत्र के पंडित महादेव शुक्ला कृषक स्नातकोत्तर महाविद्यालय का, जहां एक उपनिरीक्षक के मोटरसाइकिल की ठोकर से घायल सिपाही का इलाज के दौरान मेडिकल कॉलेज लखनऊ में आज मौत हो गई। सर, मेरा लड़का देवरिया में पुलिस में पोस्ट है। वह छुट्टी लेकर के एक दिन का गांव आया था, घर अपने नए निर्माण घर पे जाने के लिए गया था। वहां से पैदल ही अपने वापस घर को आधे घंटे में आ रहा था। रास्ते में जो है गौर थाने की पुलिस ने पीछे से आकर के धक्का, वो बाइक से ठोकर मार दिया। ठोकर इतना जबरदस्त था कि उसके सर में ज्यादा चोट आई, सीने में ज्यादा चोट आई, मुख से ब्लेड आया। आनंद फानंद में हम लोग पीएससी गौर लेकर गए। गौर लेकर जाने के बाद में दोनों जन को लादा गया, जबकि रामस्वरूप एसआई जो है गौर के, उन्होंने दारू पी रखी थी, इतना भर पी रखी थी कि उनको चलने की ताकत नहीं थी। गांव के ही लड़के रामस्वरूप को उठा करके उनको गाड़ी पर बैठा करके प्राथमिक उपचार के लिए गौर लेकर गए। गौर एसएचओ ने थाने पर आकर के अपने एसआई की गजब मतलब विधवत तरीके से ट्रीटमेंट करवा रही है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।